नाउ तो हम लोग अब केस टू की तरफ देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1 एंड 2F1 दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। ये हम लोग देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस का। पहला हम लोगों ने केस देख लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 दैट इज बियॉन्ड 2F1। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि कैसे पहले कॉन्वेक्स लेंस हम लोग फॉर्म करेंगे, पहले ये जान लेंगे। फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं इस केस में। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया मैंने और इस पे 5 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग 5 पॉइंट लेंगे, 4, 6, 8, 10 एंड देन 12। ठीक है, आप 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी ले सकते हैं। अगर मैंने 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया है पॉइंट्स, तो हम इसका रेडियस जो है वो उस 2 सेंटीमीटर के डबल से हाफ जोड़ेंगे, यानी कि 4 का में हाफ जोड़ेंगे, 4 एंड हाफ इसका रेडियस लेंगे। तो देखिए हमने 4 एंड हाफ इसका रेडियस ले लिया। अगर आप 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं बाबू, तो उस केस में क्या करना होगा आपको कि 3 का डबल करेंगे 6 और उसमें हाफ जोड़ेंगे, यानी आपको 6 एंड हाफ का रेडियस लेना होगा। और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो आपने 5 पॉइंट्स लिया है उसमें दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे हम लोग इसको 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसके बाद हम लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप इरेज भी कर सकते हैं। देन आफ्टर अपर्चर ड्रॉ कर लीजिएगा उसका, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F2, दिस इज 2F2, F1, 2F1। क्यों इधर हम लोग F2 दे रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जहीं रखा जाता है लेफ्ट साइड में, और जब इधर इंसिडेंट आएगा तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो चलिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड 2F1 रख दिया मैंने, बियॉन्ड 2F1। इस ऑब्जेक्ट का नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग AB। इसका इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए कम से कम 2 रे का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहला जो रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाने के बाद उसका रिफ्रैक्शन किधर से होना है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से होना है। हो गया। देन दूसरा जो रे होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगा वो आपको मालूम है कि अनडेविएट पास करेगा, है ना? सही है हम लोग? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है F2 और 2F2 के बिटवीन, यानी यहाँ। और उसका नेचर कैसा है, तो नेचर आप देख रहे हैं कि वो रियल लाइन से इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड है। इसका नाम हम दे देते हैं A-B- इमेज का। तो देखिए इस इमेज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं बाबू। इमेज फॉर्म सबसे पहले बात पोजीशन की कर ले, तो जो पोजीशन है वो है बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर की बात कर ले हम लोग, तो नेचर होगा जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हैं इसमें इन्वर्टेड उल्टा है। और तीसरा हम लोग साइज़ की बात कर ले, तो साइज़ हम लोग कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट केयर से। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ आप देख रहे हैं और यहाँ इमेज का साइज़ भी आप देख रहे हैं। तो जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या इसे अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में बोलें तो कह सकते हैं डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग
इसके आगे बढ़ेंगे केस थर्ड में। तो केस थर्ड में हम लोग इस ऑब्जेक्ट को और लेंस के क्लोजर रखेंगे, कन्वेक्स लेंस के, डबल कन्वेक्स लेंस है ये, बाई कन्वेक्स लेंस। अब कहाँ रखना होगा ऑब्जेक्ट को, 2F1 पे रखना होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।